नाउ इस सेशन में जस्ट कंप्लीट करेंगे हाउ टू रिमूविंग और हाउ टू ट्रिमिंग ऑल व्हाइट स्पेस कैरेक्टर फ्रॉम अ बिगिनिंग और एंडिंग ऑफ द गिवन स्ट्रिंग और हेडिंग और लीडिंग और ट्रेलिंग ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। मिस अगर स्ट्रिंग के अंदर बिगिनिंग प्लेसेस पर कंटिन्यूसली जितने भी स्पेसेस फाउंड हो रहे हैं या ट्रेलिंग प्लेसेस पर और एंड ऑफ स्ट्रिंग में जितने भी कंटिन्यूस स्पेस फाउंड हो रहे हैं सभी स्पेसेस को रिमूव कराएंगे। बट सपोज दैट अगर कोई स्पेस मिडिल प्लेसेस पर अवेलेबल मिडिल प्लेसेस वाले स्पेसेस को ऑलवेज इग्नोर करें, मीन्स रिमूव क्या करें ओनली आइदर बिगिनिंग और एंडिंग। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट इस केस को कंप्लीट करने के लिए सिंपली एक स्ट्रिंग यूज कर रहा हूँ लाइक दैट। स्पेस स्पेस ए बी एंड सी वन मोर लोकेशन इज देयर एस नल। इस केस में जस्ट मैंने आसान क्या कराया नल, तो इस केस में टोटल का लेंथ की बात करें से स्ट्रिंग का लेंथ क्या है एग्जैक्टली 8। स्पेस स्पेस अगेन स्पेस अगेन स्पेस अगेन स्पेस। इस स्ट्रिंग के केस में बात करें इसे बिगिनिंग में और लीडिंग टर्म में टोटल नंबर ऑफ स्पेस कितने फाउंड हो रहा है 2, ट्रेलिंग एलिमेंट में स्पेस कितने फाउंड हो रहा है एग्जैक्टली 3। बट सपोज दैट मिडिल में भी मैंने कोई स्पेस प्रोवाइड किया था ना, इस स्पेस को आप कभी रिमूव नहीं कराओ, मीन्स ओनली बिगिनिंग और एंडिंग स्पेसेस। इन दैट केस इस केस में जस्ट आपको परफॉर्म क्या कराना है, सबसे पहले मीन्स आपको याद हो प्रीवियस वीडियो में मैंने जस्ट कंप्लीट किया था आइदर हेडिंग और ट्रेलिंग, लेकिन इस केस में दोनों ही स्पेस रिमूव कराना, तो इस केस में एक साथ दोनों ही साइड के स्पेसेस को रिमूव कराना पॉसिबल नहीं है। मीन्स या तो लूप के थ्रू पहले बिगिनिंग स्पेस रिमूव कराएंगे देन एंड स्पेस। मीन्स इस केस में जस्ट लॉजिक इंप्लीमेंट करें लाइक दैट इंडेक्स वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। मीन्स इस पर आपको कोई कन्फ्यूजन हो इसलिए मैं इस प्लेस पर रिप्रेजेंट क्या करूँ बी। मीन्स स्पेस पर अगर स्पेस भी होता तो इस स्पेस को ऑलवेज इग्नोर करोगे, मीन्स मिडिल स्पेस कभी भी आपको ट्रिम कराने की नीड नहीं है। इन दैट केस जस्ट रिमूव कराने के केस में फर्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा ट्रेवर्सिंग गिवन स्ट्रिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, मीन्स स्टार्ट टू एंड। मीन्स सबसे पहले मीन्स एक साथ सारे स्पेसेस को कॉन्सेंट्रेट मत करो, मीन्स स्टार्टिंग में आप ट्रेलिंग स्पेसेस को इग्नोर करो, ओनली कॉन्सेंट्रेट क्या करना है ओनली हेडिंग और लीडिंग स्पेस। मीन्स जस्ट आपको रिमूव क्या कराना है ओनली बिगिनिंग और लीडिंग स्पेस। तो बिगिनिंग स्पेसेस को रिमूव कराने का जस्ट मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था, जस्ट सबसे पहले आप बिगिनिंग प्लेस पर काउंट क्या करोगे नंबर ऑफ स्पेस, काउंटिंग नंबर ऑफ स्पेस। नंबर ऑफ स्पेसेस को काउंट करने के लिए सिंपली लूप यूज कर लेंगे लाइक दैट सम काउंटर वेरिएबल सी इक्वल्स टू जीरो। लूप कब तक चलाएंगे जब तक ए ऑफ सी का वैल्यू क्या है इक्वल्स टू स्पेस, तब तक ये लूप एग्जीक्यूट हुआ है। एवरी टाइम परफॉर्म क्या हुआ इंक्रीमेंट इन काउंटर वेरिएबल सी। फर्स्ट रिक्वायर्ड टाइम क्या है मीन्स काउंटिंग नंबर ऑफ बिगिनिंग स्पेसेस और सिंपली फाउंडिंग फर्स्ट नॉट और नॉन स्पेस कैरेक्टर का इंडेक्स। मीन्स सबसे पहले फाउंड क्या करोगे नॉन स्पेस कैरेक्टर का इंडेक्स और नंबर ऑफ स्पेस, मीन्स नंबर ऑफ स्पेस कितने 2 और फर्स्ट नॉन स्पेस कैरेक्टर का भी इंडेक्स क्या ऑल्सो 2, मीन्स दोनों वैल्यू सेम है। तो इस केस में जस्ट काउंट क्या करूँ बिगिनिंग स्पेसेस, तो इस जब ये लूप एग्जीक्यूट हुआ चेक इट, इस केस में सिंपली वेरिएबल क्रिएट हुआ एज सी। सी के केस में भी करंटली इनिशियल वैल्यू क्या सी का, मीन्स जस्ट मैं लॉजिक्स एग्जाम्पल्स के सॉरी एग्जाम्पल सोर्स कोड में जस्ट इस एग्जाम्पल के थ्रू कंप्लीट करूंगा। इनिशियली सी में कैसा हो जाएगा 0। नेक्स्ट वन ए ऑफ सी के केस में बात करूँ सी का वैल्यू क्या है ऑलरेडी 0, ए ऑफ 0 इक्वल स्पेस, 0 मीन 0 इंडेक्स का एलिमेंट क्या है स्पेस, मीन कंडीशन इज 2। देन परफॉर्म क्या होगा C++, नाउ वैल्यू ऑफ सी बिकम्स 1। अगेन कंडीशन टेस्ट कराएंगे नेक्स्ट टाइम सी के प्लेस पर रिप्लेस कराएंगे सी का करंट वैल्यू 1, ए ऑफ 1 इक्वल स्पेस, अगेन सेकंड कंडीशन कैसा है ऑल्सो ट्रू, क्योंकि ए ऑफ 1 में भी क्या है ऑल्सो स्पेस, दोनों स्पेस कंपेयर कर चुके हैं। नेक्स्ट टाइम अगेन C++ होगा देन सी की वैल्यू क्या जाए 2, नेक्स्ट टाइम कंपेरिजन किसका हुआ ए ऑफ 2 इक्वल स्पेस, दिस कंडीशन इज फॉल्स क्योंकि ए ऑफ 2 में क्या फाउंड हो रहा है कैरेक्टर ए नॉट अ स्पेस। तो थर्ड केस में कंडीशन कैसा है फॉल्स है देन कंट्रोल कर आउटसाइड लूप। अब टेस्ट करो जब कंट्रोल लूप से बाहर आएगा देन आपको परफॉर्म क्या कराना है मीन्स जस्ट बिगिनिंग टू स्पेसेस को रिमूव कराना है। तो रिमूव कराने के रिस्पेक्ट में आपको रिक्वायर्ड क्या हुआ डेटा शिफ्ट ऑपरेशंस। तो डेटा शिफ्ट ऑपरेशन किस प्लेस से शिफ्टिंग कराना स्टार्ट करोगे मीन्स आपको सर्च क्या करना है नॉन स्पेस कैरेक्टर किस इंडेक्स में फाउंड हुआ डिपेंड करेगा व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ काउंट। मीन्स इस लूप के कंप्लीट होने के बाद
जो भी काउंट का वैल्यू है, काउंट वैल्यू इटसेल्फ रिप्रेजेंट क्या करेगा, नंबर ऑफ बिगिनिंग स्पेस और फर्स्ट नॉन स्पेस कैरेक्टर। क्लियर? एंड सबसे पहले आप कॉपी किस प्लेस से करो, टू प्लस टू इंडेक्स का और इंडेक्स सी का एलिमेंट, टू मीन सी, सी इंडेक्स एलिमेंट कॉपी डायरेक्टली किस प्लेस पर करो, जीरो इंडेक्स में। तो अगेन डेटा को कॉपी कराने के लिए जस्ट आप अगेन फिर से यूज क्या करो, शिफ्ट कराने के लिए वन मोर लूप और वन मोर टाइम्स लूप। लेकिन इस केस में एक और केस याद रखना, इन दैट केस जब शिफ्टिंग परफॉर्म कराएंगे हो सकता है बिगिनिंग में कोई स्पेस है ही नहीं, अदर पॉसिबल केस क्या हो सकता है, बिगिनिंग में कोई स्पेस नहीं हो सकता है, एंड में कोई स्पेस नहीं हो सकता, दोनों साइड कोई स्पेस नहीं, अगर स्पेस नहीं देना आपको शिफ्टिंग कराने की नीड नहीं है। तो स्पेस नहीं है, इसको चेक कैसे करोगे, मीन्स चेक करेंगे जस्ट वैल्यू ऑफ काउंटर, अगर काउंटर का वैल्यू जीरो फाउंड हो रहा है, मीन्स इनिशियल वैल्यू क्या था जीरो, अगर काउंटर का वैल्यू जीरो देन इसका मीनिंग क्या है, मीन्स देयर इज नो स्पेस और देयर इज नो हेडिंग स्पेस। इसे इफ डायरेक्टली सी, इफ कंडीशन में सी पास किया, सी का वैल्यू क्या है, आइदर जीरो और नॉन जीरो, अगर सी का वैल्यू जीरो देन कंडीशन फॉल्स, नॉन जीरो देन ट्रू। तो अगर सी का वैल्यू नॉन जीरो देन ओनली आपको शिफ्ट कराने की नीड है, प्लस शिफ्ट के मीन्स डायरेक्टली असाइनमेंट किस में कराओ, जीरो इंडेक्स में, मीन्स इस केस में जीरो इंडेक्स में कॉपी क्या हो रहा है, इंडेक्स टू का एलिमेंट, और इंडेक्स थ्री का एलिमेंट किस इंडेक्स में कॉपी होगा, वन में, लाइक दैट। तो यहाँ जब कॉपी करना स्टार्ट करेंगे तो इसको आप कंसिडर करोगे आई, और इसको कंसिडर करो, इसको राइट डाउन करने का अदर वे क्या यूज कर सकते हो, जीरो प्लस टू एंड वन प्लस टू, या टू क्या है, टू इज नथिंग बट जस्ट काउंटर, और जीरो वन टू क्या है, जस्ट सेम एज आई। क्लियर? आई का वैल्यू क्या है, जीरो वन, लाइक दैट। स्पेस पर जस्ट असाइनमेंट किस में कराओगे, फोर लूप, असाइनमेंट डायरेक्टली किस इंडेक्स में कराना, जीरो इंडेक्स में। तो इसके अंदर जब शिफ्टिंग परफॉर्म कराएं तो शिफ्टिंग के रिस्पेक्ट में फोर लूप के अंदर आई का इनिशियलाइजेशन किससे कराएंगे, जीरो से, प्लस असाइनमेंट किस में कराना है, ए ऑफ आई में, और ए ऑफ आई में असाइन क्या कराना है, जस्ट ए ऑफ आई प्लस काउंट। क्लियर? ए ऑफ आई प्लस काउंट, इससे जस्ट लूप का मेन पर्पज क्या है, जस्ट एलिमेंट्स को शिफ्ट करना और बिगिनिंग स्पेसेस को रिमूव कराना, देन एवरी टाइम परफॉर्म क्या होगा, आई प्लस प्लस प्लस। ये डेटा कब तक कॉपी होगा, जब तक, सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक किया हमने, ए ऑफ आई प्लस टू ए ऑफ आई प्लस काउंट और सी, देन एवरी टाइम आई प्लस प्लस, ओनली आई में इंक्रीमेंट होगा ना कि काउंटर में, देन सेमी कॉलन। मिसेस लूप को जस्ट ने टर्मिनेट किससे किया, एग्जैक्टली सेमी कॉलन। अगर आपको पोड विजिबल नहीं, मिस जस्ट क्या राइट डाउन किया, आई प्लस प्लस देन सेमी कॉलन, जस्ट इस प्लेस पर राइट कर रहा हूँ, सेमी कॉलन, आई प्लस प्लस सेमी कॉलन। क्लियर? नेक्स्ट वन, जैसे इस केस में अगेन इस लूप को मैं कंटिन्यू करता हूँ, तो एक और वेरिएबल क्या है इस केस में, जस्ट आई, आई के रिस्पेक्ट में जो लूप एग्जीक्यूट हुआ तो आई का इनिशियलाइजेशन किससे होता है, जस्ट जीरो से, देन कंडीशन टेस्टिंग, ए ऑफ जीरो में असाइन किया, वमी से इस कंडीशन में पहले ए ऑफ आई का वैल्यू चेक करोगे, पहले ए ऑफ आई में असाइनमेंट कराएं, पहले ए ऑफ आई में असाइनमेंट होगा, तो ए ऑफ आई में असाइन क्या हो रहा है, आई, आई का वैल्यू क्या है जीरो, एंड काउंट का वैल्यू क्या है टू, जीरो प्लस टू इज ए ऑफ टू, ए ऑफ टू का वैल्यू कॉपी किस में हो रहा है, ए ऑफ जीरो में, दैट पे ए ऑफ टू में क्या फंड हो रहा है, ए, जीरो इंडेक्स में कॉपी क्या हो जाएगा, ए, इसे ए कॉपी हो चुका है, नेक्स्ट टाइम आपको कॉपी क्या कराना, बी, तो इसके जस्ट बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा, बॉडी, बॉडी पार्ट कैसा लूप पर, एम्प्टी, बॉडी एम्प्टी होने के केस में नेक्स्ट टाइम अगेन कंडीशन टेस्ट होगा, तो कंडीशन के रिस्पेक्ट में नेक्स्ट टाइम आई के प्लेस पर क्या आएगा, आई का करंट वैल्यू, सॉरी बॉडी के बाद क्या होगा, आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, देन ए ऑफ वन इक्वल्स टू वन प्लस टू इज थ्री, आई का वैल्यू क्या है वन और काउंट का वैल्यू क्या है टू, तो वन प्लस टू का एडिशन क्या है, जस्ट थ्री। नेक्स्ट टाइम थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी किस में हुआ, वन इंडेक्स में, थर्ड इंडेक्स में क्या फॉर्म हो रहा है, बी, असाइन क्या कराओ, वन इंडेक्स में, इस प्लेस पर कॉपी किया जाएगा बी, इस बी भी असाइन हो चुका है, नेक्स्ट टाइम असाइन क्या कराओगे, सी, सी के केस में नेक्स्ट टाइम अगेन परफॉर्म वन मोर थिंग्स, इस प्लेस पर जस्ट एवरी टाइम असाइनमेंट के बाद रिप्लेस किया हुआ वैल्यू ऑफ ए ऑफ आई, फर्स्ट टाइम ए ऑफ आई का वैल्यू क्या था, ए, करंट वैल्यू ए ऑफ आई का वैल्यू का ए ऑफ वन में क्या स्टोर है, ए ऑफ वन में क्या बी, तो ए और बी क्या नॉन जीरो, इसलिए कंडीशन कैसा है ट्रू। नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी टू, नेक्स्ट वन स्पेस पर असाइनमेंट किसमें होगा, ए ऑफ टू में, टू प्लस टू इज फोर, तो नेक्स्ट टाइम चेक कर सकते हो फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी किसमें हुआ, इस तरह फोर्थ इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी किसमें हो रहा है, सेकेंड इंडेक्स में, टू फोर, देन ए इज रिप्लेस्ड बाई सी, देन अगेन इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा, करेंट वैल्यू ऑफ ए ऑफ आई विच इज सी, अगेन कंडीशन ट्रू है, देन नेक्स्ट टाइम परफॉर्म क्या कराएंगे इस केस में, अगेन आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी थ्री, अगेन
ए ऑफ थ्री में आसानी क्या हो जाएगा, थ्री प्लस टू इज फाइव। फिफ्थ इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी किस इंडेक्स में हो रहा है, थर्ड में। फिफ्थ इंडेक्स में फाउंड क्या हो रहा है, स्पेस, लेकिन स्पेस हेडिंग स्पेस है या ट्रेलिंग स्पेस है, ट्रेलिंग। लेकिन ट्रेलिंग के लिए अभी मैं कोई ऑपरेशन ही अप्लाई नहीं कर रहा, अभी रिमूव क्या करना है, कॉन्सोलिडेट क्या करना, ओनली हेडिंग स्पेस। इसलिए इनको इग्नोर करोगे, इसको भी कंसिडर करोगे एज अ कैरेक्टर। इसका वैल्यू क्या, डजंट मैटर। एक डेटा आसानी किस इंडेक्स में होगा, थ्री इंडेक्स में। थर्ड इंडेक्स में जस्ट कॉपी क्या हो जाएगा, स्पेस। नेक्स्ट वन, अगेन स्पेस और रिप्लेस क्या होगा, कंडीशन में स्पेस और स्पेस का आस्क वैल्यू क्या है, आई थिंक 32। तो ये भी क्या, नॉन जीरो, कंडीशन इज ट्रू। आई प्लस प्लस, वैल्यू कम्स 4। नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या है, 4। ए ऑफ 4 में आसान क्या होगा, 4 प्लस 2 इज 6। सिक्स्थ इंडेक्स का एलिमेंट, सिक्स्थ इंडेक्स में अगेन क्या है, स्पेस। और एक किस इंडेक्स में आसान होगा, फोर्थ में। फोर्थ इंडेक्स में सी रिप्लेस किससे हो जाएगा, अगेन स्पेस से। क्लियर। नेक्स्ट टाइम अगेन स्पेस पर रिप्लेस क्या होगा, स्पेस, कंडीशन इज ट्रू। आई प्लस प्लस, अगेन असाइनमेंट किसमें होगा, ए ऑफ 5 एंड 5 प्लस 2 इज 7। नेक्स्ट टाइम सेवंथ इंडेक्स का एलिमेंट फिफ्थ इंडेक्स में असाइन होगा। क्लियर। सेवंथ इंडेक्स में एग्जिस्टिंग कैरेक्टर क्या फाउंड हो रहा है, अगेन स्पेस, और प्लस आसानी किसमें होगा, फिफ्थ इंडेक्स में, मीन्स दैट वन। तो अगेन स्पेस रिप्लेस होगा, कंडीशन इज 2। देन आई प्लस प्लस होगा, तो आई की फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। क्लियर। फाइनल वैल्यू क्या हो चुका है आई का, एग्जैक्टली 6। 6 होने के जस्ट बाद अगेन कंडीशन टेस्ट कराएं, तो अब असाइनमेंट किसमें होगा, ए ऑफ 6 में। 6 प्लस 2 इज 8। तो एट्थ इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी किस इंडेक्स में होगा, 6th में। और एट्थ इंडेक्स में क्या है, जस्ट नल। कॉपी किसमें होगा, 6th में। इसे स्पेस पर असाइन किया जाएगा, नल। जैसे इस प्लेस पर नल असाइन होगा, प्लस असाइनमेंट के बाद ए ऑफ आई के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा, ए ऑफ आई का वैल्यू, मीन्स नल। नल मीन्स जीरो। जीरो के अकॉर्डिंग फोर लूप का कंडीशन कैसा होगा, फॉल्स। जैसे इस फोर लूप का कंडीशन फॉल्स हुआ, देन कंट्रोल कहाँ सेंड होगा, आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप। जब कंट्रोल इस लूप से बाहर आएगा, चेक कर सकते हो, तो लूप से बाहर आने के केसेस में हेडिंग में जितने भी लीडिंग टर्म में जितने भी स्पेस थे, वो सारे के सारे स्पेस रिमूव हो चुके, प्लस एलिमेंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो चुके। क्लियर। लेकिन अभी भी ट्रेलिंग पार्ट में कितने स्पेस फाउंड रहे, एग्जैक्टली 3 स्पेस, 1 2 3। तो नेक्स्ट टाइम इस अभी इन प्लेसेस को आप कंसिडर कर सकते हो एज अ एम्प्टी प्लेस, नॉट अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। क्योंकि स्ट्रिंग लॉजिकली कंसिडर कब तक होता है, अप टू फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ नल। फर्स्ट ऑकरेंस किस प्लेस पर है, 6th प्लेस पर। तो लॉजिकली आप चाहो तो इसको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि इस टर्म के लिए, इस प्लेस के लिए कोई ऑपरेशंस अपन रियल में मेमोरी स्पेस एलोकेट रहेगा, लेकिन मैं आपको इसलिए विजुअल नहीं कर रहा, जिससे आपके लिए कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। क्लियर। नेक्स्ट टाइम अब आपको रिमूव क्या कराना है, ट्रेलिंग। तो ट्रेलिंग के केस में आपके पास अब नेक्स्ट टाइम अगेन आपको परफॉर्म क्या करना होगा, ट्रेलिंग के केसेस में जस्ट डायरेक्टली आपको ये नल ट्रांसफर कहाँ करना है, मीन्स राइट हैंड साइड से आप चेक करोगे फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ नल। क्लियर, सॉरी फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ स्पेस। इस स्पेस पर आपको स्पेस का इंडेक्स रिक्वायर्ड है 3, आपको रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है, 3। तो इस केस में अगेन अब लूप कहाँ से कहाँ तक चला हुआ है, नेक्स्ट टाइम मीन्स पहले आप लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स किए, अब ट्रेवर्सिंग कैसे करोगे, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट किस प्लेस से, 6th इंडेक्स से या 5th इंडेक्स से, 6th में नल आपको इंडेक्स क्या रिक्वायर्ड है, 5th। तो इस केस में अगेन राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्स करने के लिए सर्च क्या करना चाहते हैं, जस्ट ऑकरेंस ऑफ फर्स्ट स्पेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फर्स्ट स्पेस का ऑकरेंस सर्च करने के लिए फिर से मैं इंप्लीमेंट क्या करूँ, वन मोर टाइम्स लूप। और इस लूप के केस में आई का भी करंट वैल्यू चेक कर सकते हो क्या, 6। और 6th इंडेक्स में क्या, नल। आपको रिक्वायर्ड क्या है, पहले 5 देन 4 देन 3। कब तक सर्च करो लेफ्ट हैंड साइड में, जब तक आपको नॉन स्पेस कैरेक्टर नहीं मिल जाता। क्लियर। नॉन स्पेस कैरेक्टर के लिए अगेन मैं लूप मैनेज कर रहा हूँ, आपको याद हो सेम लॉजिक मैंने अप्लाई किया था ट्रेलिंग के केसेस में। इन दैट केस तो आई के केस में आई का एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है, 6। आपको इंडेक्स किसका रिक्वायर्ड है, 6th इंडेक्स और 5th इंडेक्स, मीन स्पेस के प्रीवियस एलिमेंट का इंडेक्स रिक्वायर्ड है। प्रीवियस एलिमेंट का इंडेक्स क्या, वो आई माइनस 1। तो जस्ट आई में क्या आसान करा देंगे, आई इक्वल्स टू आई माइनस 1 और सिंपली आई माइनस माइनस। नाउ आई बिकम्स 5, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। देन आई का वैल्यू 5 होने के बाद अब इस पर्टिकुलर लूप को कब तक एग्जीक्यूट करा, जब तक लेफ्ट हैंड साइड में आपको कंटिन्यूस स्पेस फाउंड हो रहा है। तो इस केस में एवरी टाइम परफॉर्म क्या करेंगे, ए ऑफ आई इक्वल इक्वल स्पेस। अगर ए ऑफ आई का वैल्यू स्पेस के इक्वल है, देन ये लूप कंटिन्यू होना चाहिए। क्लियर। देन ए ऑफ आई के केस में आई का वैल्यू क्या है, 5। और ए ऑफ 5 में क्या है, स्पेस, मीन्स कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है, देन परफॉर्म क्या कराएंगे, आई प्लस प्लस और आई माइनस माइनस। राइट टू लेफ्ट रीड करें तो 6 5 4 3, मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर, आई माइनस माइनस। क्लोजिंग दिस लूप बाई सेमी कोलन, सेमीकोलन से टर्मिनेट किया, आई माइनस माइनस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट 4। नेक्स्ट टाइम अब आई किसको रेफर करेगा, 4th एलिमेंट को। अगेन आप चेक करो, 4th केस में
ए ऑफ फोर का वैल्यू कंपेयर होगा, ए ऑफ फोर में नल है क्या? अगेन ए ऑफ फोर में भी नल फाउंड हुआ, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है, फिर से परफॉर्म क्या हुआ, आई माइनस माइनस, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट थ्री। नेक्स्ट टाइम कंपेरिजन किसके लिए हुआ, ए ऑफ थ्री के लिए, ए ऑफ थ्री में क्या है, अगेन नल, तो ये कंडीशन कैसा, ट्रू मीन्स रिगार्डिंग दैट प्लेस। कंडीशन टू तो फिर से आई माइनस माइनस होगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू। क्लियर, आई की वैल्यू टू होने के बाद नेक्स्ट टाइम किस इंडेक्स के लिए कंपेरिजन हुआ, ए ऑफ टू के लिए, और ए ऑफ टू में क्या है, स्पेस और नॉन स्पेस कैरेक्टर, नॉन स्पेस कैरेक्टर। तो इस केस में जब ए ऑफ टू के एलिमेंट को स्पेस के साथ कंपेयर करो, ए ऑफ टू में फाउंड क्या हो रहा है रियल केस में, सी। तो इस केस में कंपेरिजन सी का किसके साथ हो रहा है, नल के साथ, मीन्स ये कंडीशन कैसा है, कंडीशन बिकम्स फॉल्स, फॉल्स है, देन अगेन कंट्रोल कहाँ जाएगा, आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप, मीन्स कंट्रोल इस लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर आने के इसमें आई के पास इंडेक्स क्या है, टू, ये सब आई किस प्लेस को रेफर कर रहा है इस केस में, सेकेंड प्लेस। क्लियर, सेकेंड प्लेस। इन दैट केस अब आपको परफॉर्म क्या कराना था, सिंपली डायरेक्टली आपको नल असाइन कराना है किसमें, सेकेंड प्लेस, सेकेंड इंडेक्स में, थर्ड इंडेक्स में, थर्ड इंडेक्स में, थर्ड इंडेक्स क्या, मीन्स टू, टू कौन, टू किसके पास है, आई के पास, दिस इज द आई, तो ये पर्टिकुलर थ्री नेक्स्ट प्लेस का इंडेक्स कौन रिप्रेजेंट करेगा, आई प्लस वन, तो आई प्लस वन इंडेक्स में असाइन क्या करा हुए, नल। मीन्स इस लूप से जब बाहर आएगा कंट्रोल, तो इस केस में जस्ट परफॉर्म क्या कराएंगे, इससे पहले आप मीन्स डायरेक्टली अनकंडीशनली भी असाइन कर सकते हो, ए ऑफ आई प्लस वन इक्वल्स टू नल और जीरो, देन क्लोजिंग दिस। इफ वन मोर केस, ए पर्टिकुलर केस इस लूप से बाहर मैनेज करें, मैनेज कहाँ करेंगे, आउटसाइड दिस लूप और आउटसाइड बॉडी ऑफ इफ, में से पार्ट का है आउटसाइड बॉडी ऑफ इफ। फाइनली मैं इसका लॉजिक राइट डाउन कर रहा हूँ कंप्लीटली, मीन्स इस केस में चेक कर सकते हो, जब लूप एग्जीक्यूट हुआ इस केस में चेक कर दो, मीन्स लूप के अकॉर्डिंग आई का वैल्यू क्या है, टू, टू प्लस वन इज थ्री, तो थर्ड इंडेक्स में असाइन किया जाए नल, जैसे ही थर्ड इंडेक्स में नल असाइन हुआ, अब स्ट्रिंग कंसिडर कहाँ तक हुआ, जीरो टू नल, मीन्स कोई भी ना ही कोई बिगिनिंग में स्पेस फाउंड हो रहा है और ना ही एंड में कोई स्पेस फाउंड हो रहा है, मीन्स स्पेस अब इसे स्ट्रिंग का पार्ट नहीं लॉजिकली, क्योंकि स्ट्रिंग कंसिडर कब तक हुआ, अप टू फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द नल। देन लॉजिक्स, इस फंक्शन से रिटर्न क्या कराएंगे, सेम स्ट्रिंग, देयरफॉर वी आर टेकिंग रिटर्न टाइप एज कैर स्टार, फंक्शन नेम एज ट्रिम, आर्गुमेंट टाइप इज कैर स्टार, क्योंकि आपको टोटल इनपुट्स कितने रिक्वायर्ड, ओनली वन इनपुट। देन जो लॉजिक अभी मैंने आपको डायग्राम के फॉर्म में बनाया था, सेम लॉजिक इस प्लेस पर राइट डाउन करना है। टोटल वेरिएबल्स कितने यूज हो रहे हैं, टू वेरिएबल्स आई कॉमा सी, फर्स्ट टाइम लूप मैनेज करेंगे दैट वन, इस लूप को क्रिएट करने का पर्पज क्या था, जस्ट काउंटिंग नंबर ऑफ बिगिनिंग और हेडिंग स्पेस, सी इक्वल्स टू जीरो, देन ए ऑफ सी, ए ऑफ सी इक्वल इक्वल स्पेस, देन एवरी टाइम सी प्लस प्लस, क्लोजिंग बाय सेमी कोलन। नेक्स्ट वन, इसका इफ कंडीशन टेस्ट करेंगे, इफ सी और सी इक्वल इक्वल, सॉरी सी नॉट इक्वल जीरो, इन दोनों के मीनिंग कैसे हैं, सेम, तो सिंपली मैं राइट डाउन कर रहा हूँ ओनली सी। अगर एक कंडीशन ट्रू है, देन इस केस में लूप इफ के बॉडी पार्ट में मैनेज क्या करेंगे, सम डमी लूप, और डमी लूप के अंदर लॉजिक्स क्या है, दैट वन आई इक्वल्स टू जीरो, इस डमी लूप का पर्पज क्या है, जस्ट बिगिनिंग हेडिंग स्पेसेस को रिमूव कराना और डेटा को शिफ्ट करना, जब डेटा शिफ्ट होगा तो स्पेस ऑटोमेटिकली रिप्लेस किस हो जाएंगे, नॉन स्पेस कैरेक्टर से, ए ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ आई प्लस काउंटर एवरी टाइम आई प्लस प्लस, देन अगेन इसको टर्मिनेट कैसे करेंगे, सेमी कॉलन से। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टाइम इस केस में एक और प्रॉब्लम क्या है, अभी ये लॉजिक थोड़ा सा मिस्टेक है अगर आपको याद हो, रीजन सपोज दैट हेडिंग पार्ट में कोई स्पेसिस ही नहीं है, मीन्स ओनली स्पेस कहाँ प्रोवाइड किए हैं, ओनली ट्रेलिंग ट्रेलिंग सेशन लाइक दैट, अगर गिवन स्ट्रिंग क्या है लाइक दैट, इस पर्टिकुलर केस में हेडिंग में कोई स्पेसिस ही नहीं, जब हेडिंग में स्पेस नहीं है, जब ये लूप चलेगा, लूप के केस में मीन्स बिगिनिंग में जब काउंटर काउंट होगा, तो काउंटर केस में काउंट कर ओनली बिगिनिंग स्पेस, और बिगिनिंग स्पेस कितने है, जीरो, तो काउंटर का वैल्यू क्या होगा, जीरो, काउंटर का वैल्यू जीरो अगर, तो आई में तो अभी कोई वैल्यू आसानी नहीं हुआ है, क्योंकि लूप स्टार्ट नहीं हुआ है, जब स्टार्ट नहीं हुआ है तो इस केस में ये लॉजिक वर्क करेगा क्या, नहीं। क्लियर, मीन्स शिफ्टिंग के लिए लॉजिक यही है, लेकिन इस केस में जस्ट आपको परफॉर्म क्या करना है, एक छोटा सा टर्म यूज करना है इस प्लेस पर, इन दैट केस जस्ट आपको आई में असाइन क्या करना था, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का लेंथ, मीन्स फाइव, और फाइव क्या है, इस स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स,
मीन्स 6-1 मीन्स आपको प्रीवियस इंडेक्स रिक्वायर्ड है. प्रीवियस इंडेक्स मीन्स नल का प्रीवियस इंडेक्स ऑलवेज किससे प्रोवाइड होता है, लेंथ माइनस वन. तो आपके लिए बेस्ट केस क्या रहेगा इस प्लेस पर, डायरेक्टली आई माइनस वन राइट ना करके बेस्ट आइडिया रहेगा राइटिंग जस्ट लेंथ माइनस वन. तो लेंथ माइनस वन या लेंथ कैलकुलेट करने के लिए या तो आप लेंथ सेपरेटली कैलकुलेट कर सकते हो और ऑन लॉजिक्स या खुद का यूजर डिफाइंड फंक्शन बना सकते हो या फिर प्री डिफाइंड फंक्शन कॉल कर सकते हैं. तो इस केस में जस्ट राइट डाउन क्या करें अगेन, ये लूप मैंने एफ के बाहर प्रोवाइड किया है, आई इक्वल्स टू लेंथ. लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंक्शन है एस टी आर एल ई एन ऑफ ए, लेकिन इसमें आसान क्या कर रहा है डायरेक्टली लेंथ और लेंथ माइनस वन, लेंथ माइनस वन सेमी कॉलन. नेक्स्ट टाइम अगेन प्रोवाइड क्या करना है, कंपेरिजन. कंपेरिजन के अकॉर्डिंग बात करें इस केस में एस टी आर एल ई एन के रिस्पेक्ट में जस्ट आपको इंक्लूड क्या करना होगा स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल. नेक्स्ट वन, ये लूप कब तक चलाना है, जब तक आपको ए ऑफ आई में स्पेस फाउंड हो रहा है. परफॉर्म क्या करेंगे आई माइनस माइनस, देन जब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा लूप के जस्ट बाद प्रोवाइड क्या करोगे टर्म एच ए ऑफ आई प्लस वन इक्वल्स टू नल. दिस इज द बेस्ट केस. मीन्स प्रीवियसली मैंने जो लॉजिक आपको बताया था ये लॉजिक मीन्स प्रीवियस लॉजिक तब वैलिड था अगर बिगिनिंग में एटलीस्ट वन स्पेस फाउंड हो रहा है, लेकिन ये फेल कब होगा अगर बिगिनिंग में कोई स्पेस नहीं है तो प्रीवियस लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा. प्रीवियस लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा तो आई के पास कभी भी लेंथ नहीं होगा. तो इसके इसमें लेंथ डायरेक्टली मैं असाइन कर रहा हूँ यूजिंग एस टी आर एल ई एन फंक्शन. क्लियर. नेक्स्ट वन, इस प्लेस पर जस्ट रिटर्न क्या कराओगे ओरिजिनल स्ट्रिंग, रिटर्न ओरिजिनल स्ट्रिंग. ओरिजिनल स्ट्रिंग का एड्रेस किसके पास है, ए के पास. वन मोर थिंग्स, इस प्लेस पर आप चाहो तो डायरेक्टली आई माइनस वन भी राइट कर सकते हो, लेकिन फिर उस केस में एस टी आर एल ई एन रिक्वायर्ड है कि नहीं, तो उस केस में अप्लाई क्या करोगे अगेन इफ कंडीशन. इफ कंडीशन क्या लगा सकते हो, इफ अगर आई का मीन्स आई में एस टी आर एल ई एन कब असाइन कराओगे, अगर सी का वैल्यू जीरो है. अगर सी का वैल्यू नॉन जीरो है देन आप डायरेक्टली क्या असाइन कर सकते हो आई इक्वल्स टू आई माइनस वन. मीन्स इस टर्म के प्लेस पर आप अदर केस क्या राइट कर सकते हो, इफ और कंडीशनल ऑपरेटर लाइक दैट इफ सी इक्वल इक्वल जीरो. अगर सी का वैल्यू जीरो है देन उस केस में आई में क्या राइट करूँ आई इक्वल्स टू एस टी आर एल ई एन माइनस वन. अदरवाइज सिंपली राइट डाउन क्या कर सकते हो आई इक्वल्स टू I माइनस वन और सिंपली माइनस माइनस आई और I माइनस माइनस लाइक दैट. मैंने जस्ट कमेंट में प्रोवाइड किया है, अगर ये स्टेटमेंट राइट डाउन किया देन आपको I में कुछ भी असाइन करने की जरूरत नहीं होगी नेक्स्ट टाइम. क्लियर. इस लॉजिक के थ्रू हेडिंग और ट्रेलिंग सारे के सारे स्पेसेस को रिमूव कराना पॉसिबल है.